बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, महंगाई का जिन हर जगह ही बेकाबू हो रहा है, इससे कबल सुजुकी मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थी और आज जो है वो बढ़ा दी हैं कीमतें कारवां वालों ने भी। और इसलिए हम अभी इस मुख्तसर सी वीडियो में जायज़ा लेते हैं कि आया इन गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है। कारवां की MPV जो है वो 13,99,000 की सिक्केबल थी और इसमें 2,75,000 का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में ये 16,74,000 की हो चुकी है। इसी तरह कारवां MPV प्लस जो थी वो इससे कबल 15,39,000 की थी और ये भी 2.75 लाख के रुपए के इजाफे के साथ अब इसकी कीमत बन गई है 18,14,000। इसके बाद हम ये देखते हैं कि M9 इसका जो ट्रेलर टाइप गाड़ी है उसकी कीमत क्या है। इससे कबल इसकी जो ओल्ड प्राइस आ रही है वो 12,34,000 है, लेकिन अब उसकी कीमत जो बढ़कर 15,09,000 की हो गई है। इस तरह इसकी कीमत में भी 2,75,000 का इजाफा हो चुका है। इसी कारवां की कारें भी आपकी मालूमात में हैं कि वो हैं और इसके तीन मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि L7 MT कम्फर्ट, इसका रेट जो इससे कबल था, जो ओल्ड प्राइस थी वो 21,49,000 थी, यानी कि 21.5 लाख के लगभग थी। अब उसकी कीमत बढ़कर होगी है 24,24,000 और इस कीमत में भी 2.75 लाख का इजाफा हुआ है। इसका जो दूसरा मॉडल है L7, इसमें DCT कम्फर्ट है और इससे कबल जो कीमत थी वो 23,99,000 थी और अब उसकी कीमत हो चुकी है 25,74,000 और इसमें कीमत में इजाफा 2,75,000 का हुआ है। इसका जो तीसरा मॉडल है वो L7 DCT लुमियर है और इसकी सबका जो कीमत थी वो 25,79,000 और अब इसमें 2,75,000 के इजाफे के साथ अब इसकी न्यू प्राइस जो है वो 28,64,000 हो चुकी है। इस तरह जो चंगन कारवां है उसने अपने मॉडल, जो उसके 6 मॉडल हैं और उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों में एक ही जैसा इजाफा करते हुए सब की कीमतें 2.75 लाख तक बढ़ा दी हैं। और अब ये इसका अंदाज़ा लगाएं कि जो बजट जो कि जून में आया था और इसको अभी चंद माह हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा शोर होगा इसी बात का था कि इसमें कारें जो है वो सस्ती हो गई हैं, गाड़ियां सस्ती हैं और बाकी चीज़ें जो है शायद सिर्फ महंगी हैं। लेकिन ये खुशी जो है वो चंद हफ्ते ही रह सकी है और उसके बाद फिर ये कीमतों में इंतहाई हद तक इजाफा हो गया है, 2.5-3, 3-3, 3.5 लाख तक, जिसके नतीजे में अब ये गाड़ियां भी मुख्तलिफ कंपनियों की वो मुतवस्सत तबके की पहुंच से जो है वो दूर हो रही हैं और उनकी मुश्किलात में पहले से ज़्यादा इजाफा हो चुका है।